हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्विक केक। ये 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 अंडे। यहाँ डाल रही हूँ मैं 1 कप पाउडर्ड शुगर और इसको भी अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूँगी। और यहाँ डाल रही हूँ 1 कप ऑयल। और यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। और अभी सारी चीज़ों को अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूँगी। और अभी डाल रही हूँ 1 कप मैदा और बहुत ही अच्छे से ऐसे मिक्स करना पड़ेगा। और अभी डाल रही हूँ 1/2 कप मैदा, यानी टोटल मिलाकर मैंने डाल दिया 1.5 कप मैदा। और अभी डाल रही हूँ 1/2 कप दूध। और अभी सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ऐसे मिक्स करना है। जितना अच्छे से ये मिक्स होगा और उतना ही ये स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेगा। और ये देखिए, बेकिंग टे के ऊपर मैंने एक पेपर लगाकर ऑयल से ग्रीस कर लिया था और अभी ये बैटर में डाल रही हूँ और इसको मैं 10 मिनट के लिए बेक करूँगी 180 डिग्री कन्वेक्शन में। और ये देखिए, 10 मिनट के बाद मैंने ये निकाल लिया है और ये पेपर में अभी ये निकाल लूँगी। और इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और ये देखिए, मैंने एक ग्लास की मदद से ऐसे राउंड शेप में काट कर लिया है। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है, ये इसी से आप ये शेप दे सकते हो। मुझे ये राउंड शेप अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये ग्लास की मदद से ये दे रही हूँ। और ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं 10 मिनट में और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। और अभी मैं लगा लूँगी ये चॉकलेट सिरप।
जल्दी जल्दी में आप लोग को कुछ बनाना पड़े तो आप ये बना सकते हो, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी काफी अच्छा लगता है। अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है वो भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाला वीडियो आपको पहुंच सके। आज के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।